हेलो दोस्तों, आरवेल वेलनेस निर्वाणा में आपका दोबारा स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नी पेन, घुटनों का दर्द। क्या घुटनों का दर्द किन वजह से होता है, किस एज में होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, इसमें कौन सी एक्सरसाइज होती है जो हमें करनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, किन डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ललित, सर्टिफाइड एक्यूपेशनलिस्ट। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो फर्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें ये हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्चुअल में घुटनों में दर्द मतलब नी पेन क्यों होता है। तो बताना चाहूँगा क्या जब आपके घुटने इस तरह से होते हैं एंड इसके बीच में एक जेली होती है, अगर वो जब कम हो जाती है वक्त के साथ एंड जब आपकी हड्डियाँ एक दूसरे से टच होके रिसने लगती है, जिसकी वजह से भी आपको घुटने का दर्द और नी पेन होता है। या सेकंड उन लोगों में देखा जाता है जिनकी एज सबसे ज़्यादा हो रखी होती है, मतलब 50+ होती है, उनकी बॉडी में कैल्शियम का बनना बंद हो जाता है, उन्हें चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आम तौर से देखी जाती है। लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उन लेडीज़ों में देखी जाती है जिन्हें अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है या अभी अभी उनकी डिलीवरी हुई है, उसके बाद उनका वेट गेन होने लगता है, जिसकी वजह से भी उन्हें इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी यंगर जनरेशन आ रही है, जिसमें आप अगर बच्चों को भी देखते हैं, आप बूढ़ों को भी देखते हैं और आप यंग जनरेशन को भी देखते हैं, तीनों जनरेशन इस बीमारी का शिकार हो रही है बिना किसी इशू के। बिकॉज़ आजकल की जो डेली की रूटीन है वो इस तरह से हो चुकी है कि हर किसी को इस प्रॉब्लम की शिकायत हो रही है। अब बात करते हैं कि घुटनों में दर्द के क्या कारण होते हैं, क्या ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपको घुटनों का दर्द या नी पेन होता है। तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है क्या, खान पान की समस्या। खान पान की समस्या मतलब जो आप डेली रूटीन में जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या आपको कैल्शियम मिल रहा है, क्या सारे प्रोटीन मिल रहे हैं, ये भी एक इसका सबसे बड़ा इशू होता है। मोस्टली देखा जाता है कि आजकल ज़्यादातर लोग अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, जिसमें वो ग्रीन टी को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कि चाय को, वो दूध को भी अवॉइड करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते हैं, बिकॉज़ वो वेजिटेरियन होते हैं तो वो अंडे को भी अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम बनना एंड कैल्शियम का होना कम होने लगता है। इसके साथ ही हमारी जो डेली रूटीन जो होता है, जिसमें काफ़ी बार ये देखा गया है कि कुछ एज के बाद लोगों को उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, उसके बाद भी वो कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से अब ठीक नहीं है। जैसे मोस्टली देखा जाता है बूढ़े बुजुर्गों के घुटनों में पेन होता है और वो हिंदी टॉयलेट का यूज़ करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, उन्हें कभी भी आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। अगर वो अगर ज़्यादा चलते हैं तो उन्हें ज़्यादा भागना या ज़्यादा वैसा नहीं चलना चाहिए, मतलब नॉर्मली चलना चाहिए और किसी स्टिक के सहारे के साथ चलना चाहिए अगर उन्हें घुटनों का पेन होता है। उन्हें ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। मोस्टली लोगों में ये भी देखा गया है कि उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से वो सोचते हैं अरे मुझे नॉर्मल प्रॉब्लम है, एंड वो ये भारी भरकम काम भी सीढ़ी चढ़ना ये सारे करते हैं, जो वक्त के आगे जा जाके उन्हें एक ऐसी गंभीर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ता है, उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। और आप सब भी जानते हैं मेडिसिन सिर्फ आप उसको उस दर्द को ढकने का काम करती है, उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेडिसिन ख़राब है, नहीं है, हर मेडिसिन अच्छी है, हर मेडिसिन के काम करने का तरीका अलग होता है, बट एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। अब बहुत से लोग हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे घुटने का दर्द है वो वाकई में सीरियल इशू है या ये सिर्फ एक नॉर्मल इशू है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अगर आपके घुटनों में दर्द आपको एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है और आपको कंटिन्यूस हो रहा है और वो हल्का हल्का बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब आपके घुटनों में कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा है। सेकेंड पॉइंट इसमें देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कभी कभार खेलते समय या चलते समय ऑफिस वर्क के समय कुछ ऐसी लचक हो जाती है पैर में, ऐसी कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से भी आपको घुटनों में पेन होने लगता है, जिसे हम किसी और तौर पे देखते हैं, हमें लगता है अरे वो चोट लगी थी या वो लचक आई थी इसकी वजह से शायद ये मेरे को पेन हो रहा है, लेकिन ऐसी समस्या में भी अगर ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाता है
तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग अभी प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी उन्हें घुटनों का पेन होता है तो वो घर में एक छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते हैं जिन्हें उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस तरह से करें। बिकॉज़ अगर आप यूट्यूब पे भी अगर देंगे तो हज़ारों वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि अगर आपको घुटनों में पेन है, नी पेन है, तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट वो प्रॉपर नहीं बताते हैं जिसकी वजह से जो आपके घुटने इस तरह से रहते हैं, चाहे वो नीचे की तरफ बैंड हो रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनके घुटने इस तरह से ऊपर की तरफ भी रहते हैं, बिल्कुल सीधे भी नहीं रहते हैं। उस चीज़ में भी आप जब चलते हैं या आपसे लेटते तो आपका घुटना इस तरह से रहता है या आपका घुटना इस तरह से रहता है, बिकॉज़ उनके यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ रिसती भी है, इसकी वजह से आप ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाते अपने घुटने को। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जब वो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मानिए किसी ने बोला कि आप इस तरह से बैठिए और आप इस तरह से अपने पैर को उठाइए, तो आपको ये तो बताता है आप इस तरह से पैर को उठाइए, लेकिन वो कितना उठाना है, किस प्रेशर के साथ उठाना है, उसके बेस पे क्या रखना है, आपको उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो नहीं बताते हैं। इसके साथ ही मोस्टली देखा गया है कि कुछ ऐसी यंगर जनरेशन होती हैं जिन्हें हल्का सा भी पेन होता है तो वो मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन के बाद वो दोबारा काम करने लगते हैं। नो डाउट आपको वो काम करना चाहिए, लेकिन अब टाइम वो आ चुका है जो आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी आपको अपनी करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकें। अब मोस्टली जो लोगों का क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ये आता है कि अगर मुझे अगर नी पेन या घुटने की बीमारी है तो मैं उसमें ऐसी क्या चीज़ें करूँ, मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे अपने थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या मुझे योगा करना चाहिए। नो डाउट आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट वो आपसे एक एक्सरे करवाता है जिसकी वजह से उसे ये पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ज़्यादातर जो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं वो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं, जिसमें कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, पेन की टैबलेट होती हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती हैं, जिनकी वजह से कुछ हद तक वो पेन कम हो जाता है और उस पेन को वो ढक देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हाँ मेरा वो पेन ठीक हो गया है, लेकिन वो सिर्फ ढका है, वो ठीक नहीं हुआ है, जो वक्त के साथ आगे बढ़ता है। फिर आपको वो मेडिसिन खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन जो आप घर पे ही जो एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं वो आप चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो इसमें अब हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो फर्स्ट आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए उसमें आपको नी पेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आपको योगा करना चाहिए, आपको योगा में ऐसे कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगी। थर्ड आपको कैसा खान पान करना चाहिए वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद ऐसे कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं जिन्हें आप प्रेस करके भी अपने नी पेन घुटने के पेन से राहत पा सकते हैं वो भी आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। एंड उसके बाद आपको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो भी आपको इसी पेन की सीरीज़ में आपको बताया जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी प्रॉब्लम है। बिकॉज़ आने वाली जो वीडियो है उसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि नी पेन घुटने के दर्द में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको घर में करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार।